हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम। तो इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन लगातार पिछले कई सालों से कई ना कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग के जो अपकमिंग एग्जाम जैसे SSC JEE RRB JEE इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो का जो PDF रहेगा वो आप लोग फ्री में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखते हैं सबसे पहली स्लाइड, और यहाँ पर कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, यहाँ पर विलियम हार्वे को फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है। और अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप के इन्वेंशन की, तो वहां पर कार्ल लैंडस्टीनर को ब्लड ग्रुप का इन्वेंशन के लिए जाना जाता है। तो दोनों अलग अलग है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और आगे देखते हैं स्मॉलेस्ट ग्लैंड, तो पिनियल ग्लैंड जो होती है वो स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी में। और इसके आगे बात करते हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए कौन सी ग्लैंड जानी जाती है, वो है एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। साथ ही में अगला क्वेश्चन जो है विटामिन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, तो विटामिन सी इसका आंसर होगा। और इससे पहले जो आप लोग ने वीडियोस देखे होंगे तो उसमें विटामिन की जो केमिकल नेम्स हैं उसको भी डिस्कस किया गया था। तो आप लोग पिछला वीडियोस भी देखते चलिएगा, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार एक चीज को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट इज स्किन। तो यहाँ पे स्किन जो होगा वो होगा लार्जेस्ट ऑर्गन। इसके बाद देखते हैं यूनिवर्सल डोनर, ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है ब्लड ग्रुप को। साथ ही में ए बी पॉजिटिव जो होता है उसे एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। तो दोनों ब्लड ग्रुप ओ और ए बी को याद रखिएगा, प्लस जो RH फैक्टर है उसके साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ATP सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे पावर हाउस भी बोला जाता है। तो ATP के जो सिंथेसिस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, तो रॉबर्ट हुक इसका आंसर है, सबको जानता है, ठीक है। और आगे देखते हैं यहाँ पर जो ऑस्मोसिस की बात कही गई है, तो डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस होता है ऑस्मोसिस। इसमें जो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू होती है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ह्यूमन बींग्स प्रोबेबली हैव 46 क्रोमोसोम्स, मतलब 23 पेयर्स जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। पीज ओनली हैव 12 एंड डॉग हैज 78, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोनों के लिए आप लोग को लिखा हुआ है, पीज के लिए 12 होते हैं और डॉग के केस में 78 क्रोमोसोम्स होते हैं। पेयर की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चंस को, ये बायोलॉजी के क्वेश्चंस है। इसके बाद हम लोग डिसीजेस की बात करते हैं। अगर डिसीजेस में पूछा जाता है कि वायरसेस के थ्रू कौन कौन सी डिसीजेस होती है, तो इसमें 4-5 ऑप्शन दे देते हैं, फिर उसके बाद पूछते हैं कि कौन सी वायरस के थ्रू है। तो ये सब डिसीजेस जो है वो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड, एड्स, रेबीज, वायरल इंसेफेलाइटिस एक्सेट्रा, ये सब बीमारी जो होती है वो वायरस के थ्रू होती है। तो इसका स्नैप ले लीजिएगा या फिर आप लोगों को फ्री में PDF मिल जाएगा, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर डिसीजेज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के थ्रू कौन सी होती है, बैक्टीरिया के थ्रू जो होती है वो होती है वोपिंग कफ, कॉलरा, लेप्रोसी, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग एक्सेट्रा, ठीक है, ये बैक्टीरिया के थ्रू हो गई। इसके आगे देखते हैं जो प्रोटोजोआस के थ्रू होती है वो होती है मलेरिया, एमोबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, ये सब डिसीजेज जो है आप लोग एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप लोग के 2 नंबर या फिर 2 क्वेश्चंस कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं। कुछ कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जो कि हर जगह पूछे जाते हैं, लेकिन उनके नाम जो होते हैं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। तो यहाँ पर नाम पे नहीं जाएंगे, जो उसका मेन फीचर मतलब जो इसका फंक्शन है उसके थ्रू हम लोग याद करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो है वो है एल्टीमीटर। एल्टीमीटर मतलब एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो बेसिकली ये एयरक्राफ्ट जहाँ पे उड़ते हैं उसका एल्टीट्यूड मेजर करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। पायरोमीटर, पायरो का मतलब होता है हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर जैसे कि सन होता है उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रायोमीटर, क्रायोमीटर मतलब क्रायोजेनिक्स में यूज करते हैं, जहां पर लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर मतलब -90, -190 इस तरह के जो टेम्परेचर्स होते हैं उनको मेजर करने के लिए क्रायोमीटर का यूज करते हैं। इसके बाद डायलेटोमीटर, डायलेटोमीटर जो होता है वो चेंज इन वैल्यूम ऑफ सब्सटेंस, अगर किसी चीज का वैल्यूम जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो डायलेटोमीटर यूज करेंगे फॉर द मेजरमेंट ऑफ द वैल्यूम, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड दैट इज एनीमोमीटर। ये थोड़ा नाम में कंफ्यूजन है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग हर साल ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही जा रहा है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो अगला इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो है द डायनामो। तो डायनामो सबको जानता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, कंपेयर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कलर्स, तो कोलोरियोमीटर, ये तो नाम से क्लियर हो रहा है, अगर कलर्स की इंटेंसिटी को कंपेयर करना है तो कोलोरियोमीटर का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑंडोमीटर। ये कहीं कहीं आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये इंस्ट्रूमेंट होता भी है कि नहीं होता है, बट जो ऑंडोमीटर होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मेजर करने के लिए।
इसके बाद जो अगला इंस्ट्रूमेंट है वो है पेरिस्कोप, टू सी द ऑब्जेक्ट अबव द सी लेवल। तो सी लेवल से जानते हैं सबसे कॉमन इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद जो है वो है टैकोमीटर। टैकोमीटर भी सब लोग इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो जानते हैं कि टू डिटरमाइन द रोटेशनल स्पीड ऑफ द शाफ्ट। तो रोटेशनल स्पीड आरपीएम में अगर मेजर करना है तो उसके लिए टैकोमीटर यूज होता है। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। इसके बाद वेव्स पे आते हैं। ये वीडियो में हमने ज्यादा ज्यादा इन्फॉर्मेशन और मिक्स फॉर्म में रखी है कि आप लोग को कभी बायोलॉजी कभी फिजिक्स कभी केमिस्ट्री मिल जाएगा। तो इसमें आप लोग के सारे क्वेश्चन मिक्स में रहेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इस वीडियो की हेल्प से आप लोग को रिविजन भी होगा और कुछ नई नई चीजें भी आप लोग को मिलती रहेंगी। तो साथ ही में अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करते हुए चलिए, जिससे कि हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहे और इसके पार्ट्स और भी आते रहे। और साथ ही में आप लोग चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसका वेव्स को देखते हैं। वेव्स में मैकेनिकल वेव्स हो गए, नॉन मैकेनिकल वेव्स हो गए, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गए। तो मैकेनिकल में लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, ट्रांसवर्स भी जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है उस पर डिपेंड करती है। इसके बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब नॉन मैकेनिकल वेव्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि शॉर्ट रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, विजुअल रेज, ठीक है। इसके साथ ही जो वेव्स की स्टडी की या फिर इन्वेंशन किया उसके साइंटिस्ट के नाम भी बगल में लिखे हुए हैं। तो हर्ट्ज जो है वो शॉर्ट रेडियो वेव्स में हो गया, लॉन्ग रेडियो वेव्स में मार्कोनी हो गया, फिर इसके बाद इंफ्रारेड में हर्सेल हो गया, इसके बाद विजुअल रेडिएशन में न्यूटन हो गया। तो ये सब साइंटिस्ट के नाम भी आप लोगों को क्लियर होने चाहिए क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच वेव्स आर यूज्ड इन सोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं वो सोनोग्राफी के लिए यूज होती हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इंफ्रासोनिक ऑडिबल अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो यहाँ पे 0 से 20 जो होता है इंफ्रासोनिक होता है, ऑडिबल में 20 to 20,000 हर्ट्ज तक होता है, अल्ट्रासोनिक में अबव द 20,000 हर्ट्ज होता है, ठीक है। इसके बाद एक फार्मूला भी लिखा हुआ है, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, वी इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे फार्मूलेज होते हैं, वो अभी हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम लोग केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं और आगे बढ़ते हैं देखते हैं। इसके बाद कुछ और वेव्स के नाम लिखे हुए, अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्सरे। तो अभी इससे पहले हम लोग 4 वेव्स देखे थे जो कि नॉन मैकेनिकल वेव्स थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी। तो इसके आगे जो 5, 6, 7 है, अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्सरे, गामा रे। तो इसका जो इन्वेंशन किया है उसके भी साइंटिस्ट के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। एक्सरेज का हम लोग जानते हैं विलियम रॉन्गटन, और रिटर हो गया अल्ट्रा वायलेट रेज का, गामा रेज के हेनरी बेकरेल। इसके जो इन्वेंटर है इसको भी साथ में आप लोग रिवाइज करते हुए चलिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, फॉलोइंग वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स, कैथोड, अल्फा, कैनाल, बीटा, साउंड, ये सब जो वेव्स हैं ये कन्फ्यूजिंग वेव्स होती हैं, ये नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते देखते हैं ये ग्राफ। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स में। तो वेव्स के नाम सबको पता रहते हैं बट कभी कभी कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो इस ग्राफ का स्नैप ले लीजिएगा या फिर पीडीएफ में देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो अरेंज है वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, देखो एरो लगा हुआ है ना, ये फ्रीक्वेंसी राइट हैंड साइड पे जाने पे बढ़ रही है, इसी के अपोजिट वेवलेंथ जो है वो अपोजिट लेफ्ट साइड में जाने पे बढ़ रही है, ठीक है। तो ये वेव्स के नाम लिखो, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजुअल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेस। तो ये सारी रेस के नाम लिखे हुए हैं। अगर कंपैरिजन आ जाता है कि विजुअल की जो फ्रीक्वेंसी है वो माइक्रो से ज़्यादा होती है तो कम होती है, तो आप लोग देख सकते हैं इधर की ओर बढ़ने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। सिमिलरली अगर पूछ लिया जाए कि जो एक्सरे की वेवलेंथ है वो इंफ्रारेड से कितनी होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, तो यहाँ पर जो वेवलेंथ रहेगी वो इंफ्रारेड की ज़्यादा रहेगी इन कंपैरिजन टू एक्सरे। तो इस ग्राफ से आप लोग देख के आप लोग कंपेयर कर सकते हैं या फिर आप लोग का याद करने का अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम लोग ने डिस्कस किया यहाँ पे। अब हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग ने कुछ थ्योरेटिकल या फिर वन लाइनर पॉइंट्स पढ़ लिए। अब 4 तरह के ऑप्शंस रहेंगे, उनमें से एक सही आंसर रहेगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अरेंज वाला एक क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वाला। तो अभी इससे पहले हम लोग ने स्लाइड में पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कौन कौन सी वेव्स कैसी रहेंगी। तो ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इंफ्रारेड, एक्सरे, यूवी, गामा, ये 4 वेव्स दी हुई हैं और यहाँ पे वेवलेंथ लिखी हुई है, उसका ऑर्डर दिया हुआ है 10^-12, 10^-5, 10^-10, 10^-8। तो इससे पहले ली स्लाइड अगर आप लोगों को क्लियर है तो आप लोग मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को कंपेयर करके ये ऑप्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर इंफ्रारेड को देखेंगे तो इंफ्रारेड में जो वेवलेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर 10^-5 की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू अदर वैल्यूज। और जो गामा रेज रहेगी उसकी जो वेवलेंथ रहेगी यहाँ पर देखिए सबसे मिनिमम है, तो यहाँ पर 10^-12 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा ए का 2, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड वेव्स इज स्मॉलर देन विजुअल, यूवी, एक्सरे, रेडियो। यहाँ पे वेव्स के नाम लिखे हुए हैं, तो रेडियो वेव्स होगा आंसर, क्योंकि हम लोग को पता है इससे पहले स्लाइड में कि रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ होगी वो इंफ्रारेड से ज्यादा होगी और जो बाकी वेव्स होंगी उनकी जो वेवलेंथ होगी वो इंफ्रारेड से कम होगी, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियो वेव्स। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड्स।
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा माइक्रोवेव्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो वेवलेंथ पे फिर क्वेश्चन है, तो इंफ्रारेड इसका आंसर है। इन चार ऑप्शन में जो वेवलेंथ होगी वो इंफ्रारेड की सबसे ज्यादा होगी। अगला क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाई। तो इसके जो मेथड है वो है पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होगा वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वेवलेंथ ऑफ एक्स रे इज ऑर्डर ऑफ। तो इसका आंसर होगा 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब आप लोग जानते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 के पावर -10 के बराबर होता है मीटर के। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, हु फर्स्टली डेमोस्ट्रेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसका जो आंसर है वो है मैक्सवेल। तो मैक्सवेल जो है वो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डेमोस्ट्रेशन के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद द राइज ऑफ द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस। तो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो भी स्पीड जो होगी वो होगी इंक्रीज करेगी। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोनार इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इको। इको इसका आंसर होगा और बाकी ऑप्शन सीधे सीधे गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड इज इन्वेस्टेड बाई यूजिंग। तो एक्सरेज की हेल्प से हम लोग जो मेटल है या फिर क्रिस्टल है उसकी जो सरफेस मॉर्फोलॉजी हो गई या फिर क्रिस्टलोग्राफी हो गई उसका पता लगाते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग के एसएससी जेई या फिर आरआरबी जेई में एक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग ने जो क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वन लाइनर क्वेश्चन थे, उसको डिस्कस किया है। जनरल साइंस के क्वेश्चन को, मिक्स क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो ये क्वेश्चन होपफुली आप लोग के आने वाले एग्जाम में बेनिफिशियल होंगे। और अगर ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल है तो आप लोग लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर आप लोग को अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, हम लोग आप लोग के क्वेरी का जवाब विद इन 24 आवर देंगे। और अगर आप लोग को लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे आप लोग को कंफ्यूजन आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, उस पर भी आप लोग को जल्द वीडियो मिल जाएगा। तो बने रहे मैकेनिकल फोरम के साथ। थैंक यू वेरी मच।